सिंपल एंड यूनिक किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। आज मैं लक्ष्मी जी का प्रसाद जिमीकंद की सब्जी बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए लक्ष्मी जी का प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए जिमीकंद, जिसे कई जगह कंदमूल भी कहा जाता है, ये जो हमारी लक्ष्मी जी का प्रसाद लगाया जाता है इस सब्जी का, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मेन तो इसका लक्ष्मी जी का जो है वो प्रसाद लगाया जाता है। आप दिवाली पे इसे जरूर बनाएं और लक्ष्मी जी का प्रसाद लगाएं, ये लक्ष्मी जी का प्रसाद कहलाता है। हम इस जिमीकंद को अच्छे से छील लेंगे, पीछे से जो इसका छिलका है वो हम इसे छील लेते हैं अच्छे से, और इसके दो पीस करते हुए एक बाउल में रख लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी जिमीकंद के छील लेंगे और इसके दो पीस करते हुए बाउल में रख लेंगे। ये देखिए हमारा ये जिमीकंद जो है वो अच्छे से छिल गया है। अब हम इसमें पानी डालते हुए इसे अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से पानी से इसे धो लेते हैं हम, और इसका पानी सारा निकाल देंगे। एक और बार हम धो लेते हैं इसे। ये देखिए हमारा जिमीकंद जो है वो अच्छे से धुल गया है, बिल्कुल भी अब इसमें मिट्टी नहीं रही है, ये आप देख सकते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे और इसमें इस जिमीकंद को डालेंगे। हमने ये कट करके नहीं बॉईल कर रहे हैं, हम साबुत बॉईल करते हैं, क्योंकि अगर कट करके करेंगे तो ये बहुत जल्दी हलवा सा हो जाता है, इसलिए हम साबुत ही इसमें बॉईल करते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका कैप लगाते हुए इसे गैस पे रख देंगे और इसकी एक सीटी लेंगे। एक सीटी आने के बाद इसमें हम इसकी सीटी निकलने देंगे, गैस बंद करके इसकी सीटी निकलने देंगे। ये देखिए हमारी सीटी निकल गई है। अब हम खोल कर देखेंगे, ये हम देखेंगे, ये देखिए हमारा जिमीकंद जो है, आप नाइफ से देखिए, स्पून से देखिए, हमारा जिमीकंद जो है बिल्कुल बॉयल हो गया है अच्छे से। इसमें स्पून आराम से जा रही है तो मतलब हमारा बॉयल हो गया है। इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम इसके पीसेस कट करेंगे, छोटे बड़े आप जैसे पीसेस कट करना चाहें इसके पीसेस कट करेंगे। आप इसकी दो तरह की सब्जी बना सकते हैं, आप सूखी सब्जी भी बना सकते हैं इसकी, और आप लिक्विड थोड़ी सब्जी बनाना चाहें तो वो भी। आपको मैं दोनों तरह की इसकी सिखाऊंगी, आप इसकी एंड तक वीडियो देखें तब आप देख पाएंगे। ये हमारा जिमीकंद कट हो गया। इधर हम पैन गैस पे रखेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे और इसमें अब हम जीरा डाल देंगे, और जीरा भुनने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, और अब हम इसमें जिमीकंद जो हमने कट करके रखा है वो डाल देंगे। अभी सबसे पहले हम सूखी सब्जी बनाने हैं, पर सूखी सब्जी को ही हम इसमें लिक्विड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखिएगा, इसे एंड तक जरूर देखिएगा, आपको समझ आएगी कि कैसे सब्जी बनती है। और इसे आप लक्ष्मी जी दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी का प्रसाद जरूर लगाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है सब्जी। इसे हम अच्छे से चलाते मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले जो हैं वो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चलाते रहेंगे इसे हम। ये देखिए हमारी सब्जी जो है अच्छे से मिक्स हो गई, सारे मसाले जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और गरम मसाला डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चलाते हुए इन्हें भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से हल्का हल्का भूनते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। हमारी जिमीकंद की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस दोबारा ऑन करेंगे और इसमें दही डालेंगे। अब हम लिक्विड सब्जी बनाते हैं तो लिक्विड सब्जी बनाने के लिए हम इसमें दही डाल देते हैं और दही को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी जिमीकंद की लिक्विड वाली सब्जी भी बनके तैयार हो जाती है। दोनों ही सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप किसी भी सब्जी का इसमें लक्ष्मी जी का प्रसाद लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारी जिमीकंद की सब्जी बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।